स्वागत है आप सभी का के न्यूज के इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं रिस्वाना कुरैशी। सबसे पहले रुख कर लेते हैं वाराणसी का। सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। हम सबको एक नई ऊर्जा और एक नया मार्गदर्शन प्राप्त होता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम 22 और 23 सितंबर का जब हम लोगों को प्राप्त हुआ तो जो अन्य कार्यक्रम यहां की जुड़ी हुई विकास की योजनाओं के साथ साथ वास्तव में एक लोक कल्याणकारी शासन को समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति, गांव, गरीब, किसान और नौजवान के बारे में किस प्रकार से अपने कार्यक्रम तय करने चाहिए, पशु आरोग्य मेला उसका एक उदाहरण है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो मार्गदर्शन दिया उनकी प्रेरणा से मेरा मानना है कि पहली बार उत्तर प्रदेश के अंदर पशु आरोग्य मेला लग रहा है और उस पशु आरोग्य मेला में पशुपालक अपने पशुधन को लेकर के आया है और उसकी न केवल वहां पर उपचार की व्यवस्था हो रही है अपितु उस पशु आरोग्य मेला के माध्यम से पशुओं के उन्नत किस्म के साथ साथ उनमें जागरूकता पैदा करने का एक बृहद कार्यक्रम भी आगे बढ़ाया जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से जो कार्यक्रम यहां पर आज प्रारंभ हुआ है अत्यंत उपयोगी है और हमारा यह मानना है कि काशी की ही तर्ज पर उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में भी इस प्रकार के आरोग्य मेला उत्तर प्रदेश सरकार करेगी। हमें एक नई दृष्टि मिली है। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार निवेदित करता हूं। सज्जनों, उत्तर प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ही मार्गदर्शन में उन्हीं के करकमलों से 20 जून को लखनऊ में लाभार्थियों को सम्मानित करने का एक कार्यक्रम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया था और मुझे बताते प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 6 महीने के अंदर ग्रामीण क्षेत्र में 8 लाख से अधिक उन परिवारों को जिनके पास अब तक अपना आवास नहीं था, जो उपेक्षित थे, पिछली सरकारों ने जिनकी कभी कोई सुध नहीं ली थी, आज जब आपने पूरे देश के अंदर एक लक्ष्य रखा कि 2022 तक इस देश के अंदर कोई भी ऐसा परिवार न रहने पाए कि जिसके सिर को ढकने के लिए छत न हो, उस क्रम को आगे बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने इस वर्ष 9,70,000 से अधिक आवास ग्रामीण क्षेत्र में देने का लक्ष्य रखा है और उसमें 8 लाख परिवारों को पहली किस्त भी जारी हो चुकी है और उसमें काशी में आज आपके करकमलों से ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र के 15,000 से अधिक ऐसे लाभार्थियों को आज आपके द्वारा यहां पर प्रमाण पत्र भी वितरित किए जा रहे हैं। आपके द्वारा दिए जा रहे मार्गदर्शन और आपके निर्देशन में पूरे देश के अंदर गांव, गरीब, किसान और नौजवान के लिए चलाई जा रही योजनाओं को उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश के अंतिम पायदान पर खड़े हुए उस गरीब और किसान के लिए, उस नौजवान के लिए और गांव की समृद्धि के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध होकर के, कृतसंकल्पित होकर के कार्य करने को तत्पर है। प्रधानमंत्री आवास योजना का ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में युद्ध स्तर पर किए जा रहे ये प्रयास उसी की कड़ी का एक हिस्सा है। ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक लाभार्थी को इस योजना के अंतर्गत 1,20,000 रुपये आवास के लिए, 12,000 रुपये व्यक्तिगत शौचालय के लिए और जो लाभार्थी अपने आवास को स्वयं बनाना चाहता है उस लाभार्थी को 15,700 रुपये मनरेगा के अंतर्गत अतिरिक्त धनराशि दे करके उस लाभार्थी को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की जा रही है। आवास योजना में 2,50,000 रुपये के हिसाब से प्रत्येक लाभार्थी को प्रदान करने की पूरी तत्परता के साथ नगर विकास मंत्रालय और आवास मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया है। आपने कल और आज उत्तर प्रदेश के अंदर
काशी के अंदर विकास की योजनाओं को एक नई गति देने, प्रदेश के अंदर गरीब के लिए, किसान के लिए और नौजवान के लिए चल रही योजनाओं में जो मार्गदर्शन किया है, उत्तर प्रदेश सरकार उन सबको पूरी तरह आत्मसात करते हुए उन्हें प्रदेश के अंदर लागू करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मैं एक बार पुनः आपका जो मार्गदर्शन प्रदेश के अंदर हम सबको प्राप्त हो रहा है, इसके लिए हृदय से आभार व्यक्त करते हुए काशी की इस धरती पर आपका हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। तो सरकार की योजनाओं को बताते सीएम योगी आदित्यनाथ, पहली बार आरोग्य मेला लगाया गया है, पीएम मोदी ने भारत का सम्मान बढ़ाया है, पीएम मोदी के मार्गदर्शन से ही आवास योजना चल रही है। काशी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे थे, आप सुन रहे थे मंच पर पीएम नरेंद्र मोदी, राज्यपाल राम नाईक, सीएम योगी, ये सभी लोग हसीन है, मौजूद हैं और अब पीएम नरेंद्र मोदी भी जनता को संबोधित करेंगे। आरोग्य मेले की शुरुआत हो गई है, उद्घाटन कर दिया है, पशुधन के लिए बनाई गई इमारत का इनॉग्रेशन किया है पीएम ने, गौ पूजन किया, साथ ही पीएम आवास योजना के जो लाभार्थी हैं उनको प्रमाण पत्र बांटेंगे। गाय पॉलिथीन खाकर कैसे बीमार हो जाती है या मर जाती है, इसकी जानकारी के लिए पशुओं की सर्जरी भी होनी है और पीएम इस सर्जरी को लाइव भी देखेंगे। श्रीमती गीता देवी पत्नी बाबूलाल, और लाभार्थियों को प्रमाण पत्र बांटे जा रहे हैं, आवास पात्रों को प्रमाण पत्र बांटे जा रहे हैं, पीएम प्रमाण पत्र बांट रहे हैं, आप देख रहे हैं तस्वीरों में। पति श्री अफसर अंसारी, ग्राम कारधना, विकासखंड सेवापुरी। पीएम आवास पात्रों को प्रमाण पत्र बांट रहे हैं, आप तस्वीर में देख रहे हैं, सभी लोग मौजूद हैं। सीएम योगी को भी अभी हमने सुना, उन्होंने भी पीएम की प्रशंसा की, उन्होंने कहा प्रधानमंत्री मोदी वैश्विक नेता है, पीएम ने सम्मान बढ़ाया है देश का, पहली बार यूपी में पशु आरोग्य मेला लगा है, पीएम मोदी के मार्गदर्शन से प्रेरणा ली है। एक बार जोर था तालियां, इनके सपने साकार हो रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से। सुन्नर पत्नी रविलाल, ग्राम शहनशाहपुर, अराजी लाइन्स, विकासखंड। सुन्नर पिता रविलाल, ग्राम शहनशाहपुर, अराजी लाइन्स। मदीना पति हैदर, ग्राम बनकट, चिरई गांव। और इसके बाद वक्त है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लाभार्थियों को। गिरिजा शंकर पिता ज्ञान शंकर, पहाड़िया वाराणसी। राबिया बानो पत्नी मोहम्मद हमीद, मीरापुर बसही वाराणसी। रीना देवी पत्नी मोहन पटेल, मीरापुर बसही वाराणसी। संगीता देवी पत्नी जयशंकर शर्मा, टकटकपुर वाराणसी। और ज्ञानती देवी पति
अशोक प्रजापति सरसौली भोजुबीर। एक बार जोरदार तालियां इन लाभार्थियों के लिए जरूर बजाइए। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। नई क्रांति के वाहक हैं हम, तोड़ेंगे भ्रम सारे। नई क्रांति के वाहक हैं हम, तोड़ेंगे भ्रम सारे। युग की अहज कानों में मंजिल है पांव हमारे। माननीय प्रधानमंत्री जी मानते हैं कि जब भी हम विकास की बात करें तो हमारे सर आसमान की ओर जरूर हो, लेकिन हमारे पैर हमारी परंपराओं की मिट्टी में इस धरती पर जुड़े हुए हों। माननीय मंत्री जी, राष्ट्रभक्ति की प्रखर चेतना और आपके युगांतरकारी नेतृत्व को शत शत नमन, और आपसे हम सभी को संबोधित करने, शुभकामनाएं देने, शुभाशीष देने के लिए सादर आमंत्रित कर रहे हैं। मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्रीमान राम नाईक जी, राज्य के लोकप्रिय एवं यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, राज्य सरकार के मंत्री श्रीमान सुरेश खन्ना जी, प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल, डॉक्टर महेंद्र सिंह और केंद्र में मंत्री के नाते सफल कार्य करने वाले मेरे साथी, और जो अब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में बहुत बड़ा दायित्व संभालने जा रहे हैं, ऐसे और इसी क्षेत्र के सांसद डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे जी और विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे प्यारे भाई और बहनों, इतनी सवेरे सवेरे इतना बड़ा जनसागर मैं कल्पना नहीं कर सकता हूं कि चारों तरफ लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। मैं सबसे पहले आप सबकी क्षमा चाहता हूं, क्योंकि हमने जो व्यवस्था खड़ी की वो व्यवस्था कम पड़ गई और बहुत लोग धूप में खड़े हैं, उनको कष्ट हो रहा है, उसके बावजूद भी आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। मैं उनका आभार भी व्यक्त करता हूं और मैं उनसे क्षमा भी चाहता हूं, लेकिन जो धूप में खड़े हैं उनको मैं विश्वास दिलाता हूं कि ये ताप में आप जो तप रहे हैं, ये आपकी तपस्या हम कभी बेकार नहीं जाने देंगे। भाइयों बहनों, मैं उत्तर प्रदेश सरकार को विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को हृदय पूर्वक बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि आज उन्होंने एक पशुधन आरोग्य मेले की योजना की, और ये पशुधन आरोग्य मेला मैं जब वहां गया तो करीब करीब 1700 पशु अलग अलग जगह से यहां आए हैं, और उन पशु के
आरोग्य के लिए, पशु के आरोग्य के लिए वहां पर सारे एक्सपर्ट डॉक्टर आए हैं और डॉक्टर बंधु भी पशु के आरोग्य की चिंता कर रहे हैं और मुझे विश्वास है कि जैसे उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषित किया अब वे पूरे उत्तर प्रदेश में पशु धन आरोग्य मेला लगाएंगे और पशु धन आरोग्य मेले के द्वारा हमारा गरीब किसान जो पशु की देखभाल करने में कभी कभी संकोच करता है, आर्थिक कारणों से कभी कभी वो कर नहीं पाता है और इसलिए ऐसे लोग किसानों को एक पशुधन आरोग्य सेवा के कारण बहुत बड़ी राहत होगी। और हम जानते हैं कि कृषि के क्षेत्र में हमारे किसानों को आय में अगर सबसे ज्यादा कोई मदद पहुंचाता है तो वो मदद पशुपालन दूध उत्पादन के द्वारा पहुंचती है और इसलिए पशुपालन और दूध उत्पादन के द्वारा हमारे पशु आरोग्य मेले के द्वारा आने वाले दिनों में गांव गरीब किसान हमारे पशुपालक उनके लिए बहुत ही उत्तम सेवा होगी, सुविधा होगी और इस काम के लिए मैं उत्तर प्रदेश की सरकार को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, राजनीति का स्वभाव होता है कि वे उसी काम को करना पसंद करते हैं जिसमें वोट की संभावना होती है। अपनी वोट बैंक मजबूत बनाने के लिए वो अपना काम किया करते हैं। लेकिन भाइयों बहनों, हम अलग संस्कारों से पले बड़े हैं, हमारा चरित्र अलग है, हमारे लिए दल से बड़ा देश है और दल से बड़ा देश होने के कारण हमारी प्राथमिकताएं वोट के हिसाब से नहीं होती है। आज ये पशुधन आरोग्य मेला उन पशुओं की सेवा कर रहे हैं जिन पशुओं को कभी वोट देने के लिए नहीं जाना है। ये किसी के वोटर नहीं है और आज तक 70 साल में पशुधन के लिए इस प्रकार का अभियान कभी चलाया नहीं गया। आरोग्य सेवा मिलने के कारण पशुपालन में एक नई सुविधा मिलेगी, नई व्यवस्था मिलेगी। आज हमारा देश दूध उत्पादन में काफी आगे है लेकिन प्रति पशु दुनिया में जो दूध मिलता है उसकी तुलना में हमारे यहां पशु दूध बहुत कम देता है और उसके कारण पशुपालन महंगा हो जाता है। प्रति पशु अगर दूध उत्पादन बढ़ाने में हम सफल होते हैं तो मुझे विश्वास है कि हमारे किसानों को पशुपालन में रुचि बढ़ेगी और दूध उत्पादन के द्वारा एक नई आर्थिक क्रांति को भी जन्म मिलेगा। भाइयों बहनों, मेरा जन्म गुजरात में हुआ,
मेरा कार्य क्षेत्र गुजरात रहा और मैंने देखा है कि वहां सहकारी प्रवृत्ति के माध्यम से दूध के लिए जो काम हुआ है उस काम ने वहां के किसानों के जीवन को एक नई ताकत दी है। मुझे बताया गया कि लखनऊ कानपुर के इलाके में गुजरात से आई हुई बनास डेयरी ने किसानों से दूध खरीदने का प्रारंभ किया है और उसके कारण पहले किसानों को जो दूध मिलता था उससे अनेक गुना दूध आज किसानों को दूध के दाम मिल रहे। आने वाले दिनों में मुझे बताया गया इस काशी क्षेत्र के किसानों का दूध भी बनास डेयरी खरीदने के लिए शुरू करने वाली है। मुझे विश्वास है कि जब ये दूध खरीदने का काम शुरू होगा, डेयरी के माध्यम से खरीद होगा, फैट के आधार पर खरीद करना शुरू होगा, तो इस काशी क्षेत्र के किसानों को भी बहुत बड़ी मात्रा में दूध के दामों में बढ़ोतरी होगी और उनकी आय में भी बढ़ोतरी होगी। और इसलिए किसानों के लिए, पशुपालकों के लिए, दूध उत्पादकों के लिए गुजरात सरकार की मदद से, बनास डेयरी की मदद से उत्तर प्रदेश सरकार ने जो अभियान चलाया है, मैं उत्तर प्रदेश सरकार को और उत्तर प्रदेश के किसानों को ये शुभकामनाएं देता हूं कि दूध उत्पादन पशुपालन का काम आगे बढ़ाने में हम सब मिलकर के प्रयास करें। भाइयों बहनों, ২০২২ भारत की आजादी के 75 साल हो रहे हैं और भारत की आजादी के 75 साल 2022 में हो रहे हैं, तब हमारे देश के आजादी के दीवानों ने जो सपने देखे थे उन सपनों को पूरा करने के लिए हम सब ने मिलकर के संकल्प करना चाहिए। 5 साल के लिए उस संकल्प के लिए अपनी शक्ति और समय लगाना चाहिए, उन संकल्प को पूरा करके रहना चाहिए। अगर हिंदुस्तान के 125 करोड़ नागरिक एक एक संकल्प लेते हैं तो देश 5 साल के भीतर भीतर 125 कदम आगे बढ़ जाएगा। और इसलिए भाइयों बहनों, 2022 आजादी का संकल्प हमारा संकल्प है, 2022 तक हम हमारे किसानों की आय डबल करें, दोगुना करें। और उसके लिए पशुपालन एक मार्ग है, खेती में आधुनिकता लाना एक मार्ग है, सॉइल हेल्थ कार्ड के द्वारा पशु को जमीन की जांच हो, परख हो और किसान को पूरी उसकी मदद मिले, इस काम को बल देने की दिशा में काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी नई सरकार बनने के बाद जिस तेजी से पशुओं को, किसानों को जिस प्रकार से सॉइल हेल्थ कार्ड देने का अभियान चला है, वो आने वाले दिनों में हमारे किसानों की भलाई के लिए काम आने वाला है। उसी प्रकार से हम में से कोई गंदगी में जीना पसंद नहीं करता, कोई इंसान नहीं होगा जो गंदगी को नफरत नहीं करता, हर किसी को गंदगी के प्रति नफरत है। लेकिन स्वच्छता ये हमारी जिम्मेवारी है, ये स्वभाव हमारे देश में पनपा नहीं है। हम गंदगी करते हैं, स्वच्छता कोई और करेगा, इसी हमारी मानसिकता का परिणाम है कि हमें भारत को जैसा स्वच्छ बनाना चाहिए,
हमारे गांवों को जैसा स्वच्छ बनाना चाहिए, हमारे नगरों को जैसा स्वच्छ बनाना चाहिए, हम नहीं बना पा रहे। आप में से कोई इस बात को इनकार नहीं कर सकता कि स्वच्छता ये हर नागरिक की जिम्मेवारी है, स्वच्छता ये हर परिवार की जिम्मेवारी है, और इसलिए इस स्वच्छता ये सिर्फ अच्छा गांव लगे, अच्छा मोहल्ला लगे इतने से काफी नहीं है। स्वच्छता हमारे आरोग्य के लिए बहुत जरूरी है। भांति भांति की जो बीमारियां बढ़ रही है उसके मूल में गंदगी। अभी यूनिसेफ ने 10,000 परिवारों का सर्वे किया भारत में, टॉयलेट बनाने वाली बात को लेकर सर्वे किया, और मैंने कल एक अखबार में पढ़ा कि यूनिसेफ ने कहा है अगर टॉयलेट घर में है तो सालाना 50,000 रुपया जो बीमारी के पीछे खर्च होता है वो बच जाता है। आज मुझे यहां पड़ोस में ही एक छोटे से गांव में टॉयलेट बनाने के काम करने का सौभाग्य मिला, और गांव के लोगों ने तय किया है कि वे 2 अक्टूबर तक गांव को ओपन डेफिकेशन फ्री बनाएंगे। गांव का एक भी व्यक्ति 2 अक्टूबर के बाद खुले में शौच करने नहीं जाएगा, ये संकल्प गांव के लोगों ने लिया है। मुझे खुशी हुई कि नवरात्रि के इस पावन पर्व में मुझे शौचालय की ईंट रखने का सद्भाग्य मिला। मेरे लिए वह भी एक पूजा है, स्वच्छता मेरे लिए पूजा है, स्वच्छता मेरे देश में गरीबों को बीमारी से मुक्त कराएगी, स्वच्छता मेरे देश में गरीबों को आरोग्य के कारण जो आर्थिक बोझ आता है उससे मुक्ति दिलाएगी, और इसलिए एक गरीबों की भलाई करने का मेरा अभियान है, और उसमें जो लोग साथ दे रहे हैं मैं उनको बधाई देता हूं। आज मुझे खुशी हुई, सामान्य रूप से हमारे देश में शौचालय शब्द प्रचलित है, लेकिन आज मैंने जिस गांव में जाकर के शौचालय के नींव रखी, वहां जितने शौचालय बने हुए थे उस पर लिखा हुआ है इज्जत घर। ये शब्द मुझे इतना अच्छा लगा, ये शौचालय सच्चे मुच में एक इज्जत घर है, खास करके हमारी बहन बेटियों के लिए ये इज्जत घर है, और जहां इज्जत घर है वहां घर की भी इज्जत है, जहां इज्जत घर है वहां गांव की भी इज्जत है, और इसलिए ये इज्जत घर शब्द देने के लिए, शौचालय को इज्जत घर से पहचानने के लिए मैं उत्तर प्रदेश सरकार को इस काम के लिए भी बधाई देता हूं। उन्होंने शौचालय की प्रतिष्ठा बढ़ा दी है। इज्जत घर नाम आने वाले दिनों में जो भी इज्जत के लिए जागृत है, जिसको भी इज्जत की चिंता है, वो जरूर इज्जत घर बनाएगा, वो जरूर इज्जत घर का उपयोग करेगा, और इज्जतवान बनेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। भाइयों बहनों, हमारे देश में आज भी करोड़ों परिवार ऐसे हैं उनके पास रहने के लिए अपना घर नहीं है, अपनी छत नहीं है, वे ऐसे गुजारा करते हैं कि जो किसी भी इंसान के लिए बहुत ही दयनीय होता है। भाइयों बहनों, ये हमारा दायित्व है कि हम
हमारे गरीब से गरीब व्यक्ति को एक छत दें, गरीब से गरीब को रहने के लिए घर दें। और इसलिए भाइयों बहनों, हमने एक बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है। मैं जानता हूं जो काम हमने उठाया है बहुत मुश्किल काम है, लेकिन अगर मुश्किल काम मोदी नहीं करेगा तो कौन करेगा।